मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनने वाले लोगों को सख्त संदेश दिया। उन्होंने आंकड़ों का ट्रेलर दिखाया। सीएम ने बताया कि मार्च 2017 से अब तक राज्य में 166 दुर्दांत अपराधी एनकाउंटर में ढेर किए गए। इन्होंने कानून के राज को चुनौती दी थी। यही नहीं, अब तक माफिया और गैंगस्टर की 44 अरब 59 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री की तरफ से इन आंकड़ों पर जोर देना साफ बयान करता है कि आखिर अपराधियों के लिए कितना बड़ा अल्टीमेटम है। बहादुर जवानों, श्रीमद् भगवद गीता ने हम सबको एक प्रेरणा दी कि हतो वा प्राप्स्ये स्वर्गम, जित्वा वा भोक्षसे महीम, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। डॉक्टर देवेश सिंह चौहान, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी, डॉक्टर के एस प्रताप कुमार। मौका पुलिस स्मृति दिवस का था और सीएम योगी ने गीता का श्लोक पढ़कर जवानों को पुलिस स्मृति दिवस का मतलब बताया। जिस पवित्र भाव को लेकर के अपने जीवन का संकल्प बना करके देश की बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, उसे बनाए रखने के लिए जिस ध्येय निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के साथ ही एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत कानून का राज हो, उसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने वाले जवानों के प्रति नमन का अवसर है पुलिस स्मृति दिवस। लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइंस में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर परेड समारोह हुआ। इस दौरान सीएम ने यूपी पुलिस के काम की जमकर तारीफ की, फिर चाहे बात कानून के राज की हो या फिर कोरोना में पुलिस के कर्तव्य की। पुलिस कर्मियों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में अभूतपूर्व परिश्रम कर जहां एक ओर नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया गया, वहीं उनके द्वारा मानवता की सेवा की भी एक नई मिसाल पेश की गई। पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कोरोना पॉजिटिव भी हुए, लेकिन अपने कर्तव्य को सर्वोपरि मान करके उत्तर प्रदेश पुलिस बल का जवान निरंतर सेवा में लगा रहा। शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही सीएम ने पुलिस विभाग के लिए कई घोषणाएं की। अब तक मिल रहे 200 रुपए साइकिल भत्ते को बढ़ाकर 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता किया गया। पुलिस विभाग को भी पेंशन पोर्टल की सेवाओं का गिफ्ट दिया गया। 5 लाख रुपए से ज्यादा के चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति की स्वीकृति पुलिस महानिदेशक स्तर से होने की घोषणा भी की। वर्तमान में प्रदेश में कोई ऐसा संगठित अपराधी नहीं जो जेल के बाहर स्वच्छंद विचरण कर रहा हो। ऐसे अपराधी या तो जेल भेज दिए गए हैं अथवा गिरफ्तारी के दौरान आत्मरक्षार्थ पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं। सीएम योगी ने कानून का राज बनाए रखने में यूपी पुलिस के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और पुलिस की सक्रियता का ही नतीजा है कि आज यूपी में संगठित अपराध समाप्त हो गया है। पुलिस की इन कार्रवाई ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, बालिकाओं, कमजोर वर्गों एवं व्यापारियों में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ किया है। प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता तथा पुलिस के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण कायम है। सभी वर्गों में आपसी सौहार्द एवं समरसता क्षुण्य है। सीएम ने साफ कहा कि अगर अपराधी नहीं सुधरे तो पुलिस उन्हें सुधार देगी। सीएम ने यह भी बताया कि अब तक यूपी की पुलिस ने कैसे बदमाशों और अपराधियों को धूल चटाई है। मुख्यमंत्री योगी ने 30 मार्च 2017 से 13 अक्टूबर 2022 तक का आंकड़ा पेश किया। सीएम ने बताया कि एनकाउंटर में अब तक 166 दुर्दांत अपराधी मारे जा चुके हैं।
करीब 5.5 साल में 44 अरब 59 करोड़ की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है। 58,648 अपराधियों पर गैंगस्टर के तहत एक्शन लिया जा चुका है, जबकि 807 बदमाशों पर NSA लगाया गया है। 50 कुख्यात माफिया और उनके सदस्यों की लगभग 2,268 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। इसके अलावा एक माफिया और उसके 8 साथी मुठभेड़ में मारे भी गए। CM ने बताया कि 39 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई है। यानी गीता का ज्ञान हो या एक्शन लेने की बात, CM योगी ने पुलिस कर्मियों का मनोबल हर मोर्चे पर बढ़ाया। CM के इशारे भी साफ हैं कि आगे भी बदमाशों और अपराधियों की इसी तरह हेकड़ी निकाली जाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। वाराणसी में ISIS का आतंकी मॉड्यूल डिकोड हुआ है। यहां आतंकी बासित ISIS में भर्ती का काम करता था। बासित का अफगानी हैंडलर से संपर्क भी था। जांच में पता चला है कि हैंडलर से बासित को ब्लैक पाउडर और केमिकल मिले थे और इन केमिकल से IED बनाने की तैयारी हो रही थी। यानी दिवाली पर वाराणसी में बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। वाराणसी में बासित के ठिकानों से पेन ड्राइव बरामद हुई है, जिसमें भारत में हमले का ब्लूप्रिंट और IED बनाने की जानकारी सामने आई है। बरामद पेन ड्राइव की जांच हो रही है। बनारस में युवाओं के ब्रेन वॉश की साजिश थी। जिस साजिश का फांडा फूटा है, उसका सबसे बड़ा मिशन युवाओं को ISIS से जोड़ना था। इरादा था ISIS के मंसूबों का प्रचार करना। दरअसल वाराणसी में ISIS का आतंकी मॉड्यूल डिकोड हुआ है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्दों के उस नापाक मंसूबों पर एक बार फिर पानी फेर दिया, जिसके जरिए भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश कर एक खतरनाक मिशन के लिए उन्हें तैयार किया जाना था। इस खतरनाक साजिश का खुलासा तब हुआ जब 19 अक्टूबर को NIA की टीम ने बनारस के चौका घाट से बासित सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में इसका लैपटॉप खंगाला गया। मिली जानकारी दंग करने वाली थी। लैपटॉप से ISIS का आतंकी मॉड्यूल डिकोड हो गया। अफगानिस्तान में बैठे आकाओं के संपर्क में था सिद्दीकी। लैपटॉप में मिले स्काइप, टेलीग्राम समेत वीडियो कॉलिंग ऐप, सोशल साइट्स पर बना रखे थे कई ID। सभी ID पर 24 घंटे रहता था एक्टिव। लैपटॉप में मिले विस्फोटक बनाने के वीडियो युवाओं को देता था बम बनाने की ट्रेनिंग। इस वक्त हम वाराणसी के चौका घाट स्थित उस मकान के बाहर मौजूद हैं जो बासित सिद्दीकी का मकान है। NIA की टीम ने बासित सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है और बासित सिद्दीकी पर आरोप है कि वो ISIS से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। इसके साथ ही बासित सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद जब NIA की टीम ने उससे पूछताछ की है, तो उसके बाद तमाम राज खोल रहा है बासित सिद्दीकी। आपको बता दें, 24 घंटे वो सोशल साइट पर एक्टिव रहता था। इसके साथ ही जो जानकारी सामने आई है, अनेक जो सोशल साइट्स हैं, उसने अपना उस पर ID बना रखा था। बासित के बारे में ABP गंगा ने जानकारी हासिल की तो पता चला कि बासित घर से कम निकलता था और कभी कभी किताबें लेकर भी बाहर जाता था। मकान है और उस मकान के सामने ये फल का ठेला लगाने वाले व्यक्ति हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। कभी आपने देखा था बासित सिद्दीकी? नहीं, जैसे कि हम उनको केवल पढ़ने जाते थे तब देखे थे बस। क्या लगता था, कभी ऐसा लगता था कि किसी मतलब जो संगठन आतंकी संगठन है उससे कोई ताल्लुक हो सकता है? इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप ये सब ज़्यादा चलाते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।